हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान टूल्स में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एलिफेंट ब्रांड में जो ऑलरेडी हमारा इंट्रोड्यूस रहता है ऑयल फ्री एयर कंप्रेसर, जो कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो 2 HP पावर के साथ सबसे एफिशिएंट जो एयर कंप्रेसर है नॉइसलेस में, वो यही वाला एयर कंप्रेसर है। ये आपका डबल हेड साइलेंट एयर कंप्रेसर है जो सिंगल फेस सप्लाई पर रन करता है। इसमें जो कि इसका नॉइस लेवल है, उसको अगर मेजरमेंट में करें तो वो आपका -52 dB होता है। इसमें मैक्सिमम डिलीवरी की बात करें तो इसकी 270 लीटर पर मिनट की मैक्सिमम डिलीवरी होती है। 100% कॉपर वाइंडिंग में इसकी मोटर आती है और ये कॉम्पैक्ट एंड पोर्टेबल मशीन है जिसको आप कहीं भी लेके जा सकते हो, कैरी कर सकते हो। इसमें जो पिस्टन आता है आपका ऑयललेस पिस्टन आता है जो कि मेंटेनेंस फ्री होता है, उस पर मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती। इस कंप्रेसर का जो प्रेशर है वो मैक्सिमम 8 bar का प्रेशर होता है। इसमें आप सारे न्यूमेटिक प्रोडक्ट जिनको 8 bar के प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है सारे आप चला सकते हो। फिर चाहे वो स्प्रेगन हो गई, एयर पंप सेंडर हो गया, हाफ इंपैक्ट रिंचेस हो गई, एयर ब्रशेस हो गई, सारे मॉडल हो गए एयर ब्रशेस के, काफ़ी सारे प्रोडक्ट आप इससे चला सकते हो। हवा भरने के भी काम आता है, एयर इन्फ्लेनेशन आप कर सकते हो। इसमें आपको एक इसी के साथ FRL सेट दिया होता है। जो FRL सेट इसमें ये दिया हुआ है, इसमें क्या होता है कि जो एयर में आपका मॉइस्चर आ गया है, पानी आ गया है एयर में टैंक में, जो वो बाहर निकलेगा तो उसको ये यहाँ पे सेपरेट कर देगा और आपकी जो मॉइस्चर फ्री आपको एयर मिलती है, एयर में पानी नहीं मिलेगा, वो यहाँ पे इसको इकट्ठा कर लेगा और जैसे आप इस पॉइंट को यहाँ से प्रेस करोगे वो पानी बाहर निकल जाएगा, तो उस चीज़ का काम करता है ये मॉइस्चर सेपरेटर। इसमें 2 extension आप पाइप लगा सकते हो तो दो न्यूमेटिक प्रोडक्ट आप आसानी से इसमें चला सकते हो। यहाँ पे इसमें ये रेगुलेटर दिया हुआ है FRL सेट का, प्रेशर आप एडजस्ट कर सकते हो इससे प्लस माइनस करके। ये गेज दिए हुए हैं, गेज में आप देख सकते हो कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है। इसके अलावा ये पॉइंट रह गया है, इसमें क्या होता है हर 7 से 10 दिन के अंदर आपको एक बार इसको ओपन कर लेना है ताकि जो भी ड्रेन हो जाए, पूरा जो आपका टैंक है वो ड्रेन हो जाए, साफ़ हो जाए। और इसके बॉक्स में जो अंदर आपको मिलता है वो क्या क्या मिलता है, एयर कंप्रेसर मिलता है, एक पेयर मिलता है व्हील्स का पेयर मिलता है, ठीक है, ये पैड मिलते हैं दोनों, ये लगाने होते हैं आपको, यूज़र मैनुअल मिलती है इसकी, और एयर फिल्टर मिलते हैं दोनों, जो एयर फिल्टर मैंने आपको दिखाए। इस टैंक वॉल्यूम में ये जो प्रोडक्ट है काफ़ी पावरफुल प्रोडक्ट है, डबल पिस्टन हेड का मोटर इसमें आती है इसलिए काफ़ी पावरफुल हो जाता है ये, बिल्कुल साउंड फ्री है। ये एयर कंप्रेसर का पावर बटन दिया होता है, ठीक है, ये पावर बटन है, इसको पुल करोगे एयर कंप्रेसर ऑन हो जाएगा, इसको पुश करोगे आप एयर कंप्रेसर बंद हो जाएगा, ठीक है। ये हैंडल दिया हुआ है एक साइड से, अगर आपको लिफ्ट करके कहीं जाना है तो ये हैंडल उसके यूज़ में आता है। ये इसका एयर फिल्टर है, ठीक है, ये 2 air filter इसके बॉक्स में आपको मिलते हैं, जो कि एक पहले से लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, तो ये आपको लगाना होता है, दोनों अलग से मिलते हैं। तो इसको लगाना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। ये ऑयल फिल्टर को आप यहाँ पे ले जाइए, ये पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें नॉर्मली आप आसानी से इसको लगा सकते हो हाथ से ही। तो आपको जब भी एयर कंप्रेसर को इसको चलाना है उससे पहले आपको दोनों एयर फिल्टर लगाने पड़ेंगे। और ये जो पॉइंट दिया हुआ है, इसमें ये पॉइंट होता है जो ऑटो कट का फीचर है। इसमें जैसे ही आप अपने थ्रेशहोल्ड प्रेशर को रीच करेगा, मतलब पूरी एयर इस टैंक में फुल हो जाएगी, तो ये ऑटोकट इसको ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देगा, कंप्रेसर बंद हो जाएगा। जब एयर रिलीज होगी उसके बाद कंप्रेसर अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो प्रोडक्ट है इसकी मोटर की वारंटी आती है 6 month की, और इसके सारे स्पेयर पार्ट हमारे पास, सारे स्पेयर पार्ट अवेलेबल है। कोई भी आपको प्रोडक्ट का स्पेयर पार्ट इसका चाहिए तो वो आसानी से मिल जाता है। जब आपको इस मेरा वर्किंग करके दिखाएंगे इस वीडियो में, जिसमें हम स्टेपलर रखा है हमने टेक्नो का और एक स्क्रू ड्राइवर है, दोनों का हम आपको वर्किंग वीडियो दिखाएंगे। अभी कंप्रेसर को हमने स्टार्ट किया हुआ है, अभी वो स्टार्ट है, एयर इसकी फिल होने वाली है, 1.5 minute के आसपास हुआ है अभी उसको। अब इसने ऑटो कट ले लिया, अभी हम आपको ये स्टेपलर और इसके बाद स्क्रू ड्राइवर इसमें चला के दिखाएंगे। बाकी आप इससे
सारे न्यूमेटिक प्रोडक्ट चला सकते हो जिनका प्रेशर की रिक्वायरमेंट 8 बार तक रहती है। एयर को रिलीज आप देख सकते हो, जिस पे लकड़ी पे हमने स्टेपलर को चलाया है उसमें ये कीले जो हैं जो अंदर जा चुकी है, ये देख सकते हैं आप। ये जो हमने स्टेपलर किया है, एक ये पॉइंट है, एक ये है, एक ये है, ठीक है, तो ये बाहर आया हुआ है। मतलब इसमें जो इसकी पिन है ना वो थोड़ी बड़ी होती है। और अभी ये स्क्रू ड्राइवर है, इसको हम अभी रन करके दिखा रहे हैं आपको।